हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। अनिल मौर्य AMI स्टूडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है दिस टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स पर रिलेटेड हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको प्रूफ करने के लिए या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज इसके प्रूफ पे बात करने वाले हैं और मे बी इस पर क्वेश्चन भी एक दो करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द वर्किंग एंड हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ पे हम बात करेंगे, इसके स्टेटमेंट पे बात करेंगे, कैसे हम प्रोसीजर कैसे इसको टोटली हैंडल कर पाएंगे। तो बने रहें इस लेक्चर के साथ। बिफोर वाच दिस माय वीडियोस, मैं कहना चाहूँ मेरे चैनल AM मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज AM मैथ्स ट्यूटोरियल्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं फॉर स्टडी के लिए। जो भी हो, वर्किंग हो, जितनी हेल्प हो पाएगी मेरे से, मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। तो आइए लेट्स वॉच दिस। पहले स्टेटमेंट पे बात कर ले हम। कह रहे हैं स्टेटमेंट, इफ़ एब्जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इन साइड सी विद इन इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए, कोई भी एक सेंटर है उस पॉइंट से इन एनालिटिक है उस पॉइंट पे फंक्शन रेडियस आर, देन इट एट ईच पॉइंट जेड इन साइड सी, कोई एक पॉइंट जेड इन साइड सी है, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ए माइनस जेड माइनस ए एफ डैश ए, जेड माइनस ए का स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए और फिर अप टू दिस इज। ये तो नॉर्मल टेलर्स थ्योरम है। तो जो वर्कआउट है उस पर हमें बात करनी है। मान लीजिए एक सर्कल, ये हमारा है दैट इज क्लोज कर सी, और एक जेड कोई पॉइंट है जो इनसाइड है, इसका सेंटर यहाँ पर ए है, ठीक, समझ में आ रही बात, विथ इट्स सेंटर एट पॉइंट ए और जेड पॉइंट इनसाइड दिस, ठीक, बहुत ही समझिए बारीकी से। और एक मान लीजिए एक सर्कल और मैं इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर और ड्रॉ कर दिया जाता है विथ सेंटर ए का, ध्यान देखिए, तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर लें और ये पॉइंट यहाँ से ज्वाइन हो जाए, इस ये मान लीजिए दैट इज द सी वन है और इसके सरफेस पे कोई पॉइंट डब्ल्यू ले लिया हमने। तो अब हमें जो वर्कआउट करना है इस फार्मूले को प्रूफ कैसे करना है, तो पहला इज इंपॉर्टेंट है कि अब हम पॉइंट्स को माने, लेट लेट जेड बी एनी पॉइंट इनसाइड क्लोज कर सी, जेड बी एनी पॉइंट इन क्लोज कर सी विथ सेंटर एट ए, जेड इक्वल टू ए, ठीक है, ये दैट इज कंसिडर, हम पहले इसको मान लेते हैं। एक और अनदर्स इज लेट, ठीक है, या ड्रॉ कह सकते हैं आप, ड्रॉ ए सर्कल सी वन, ठीक है, विथ सेंटर जेड इक्वल टू ए, ठीक है, और ए पॉइंट जो है ये जेड के बहुत ही क्लोज है, याद रखिएगा ए पॉइंट विद क्लोज इन क्लोज टू जेड, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज है विद सेंटर ए एंड विच इज इन क्लोज सॉरी इन क्लोजिंग टू जेड, ठीक है, लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट ऑन दी डब्ल्यू बी एनी पॉइंट ऑन दिस इस सर्कल पे, ऑन द सर्कल सी वन, इस सी वन पे एक डब्ल्यू कोई भी एक पॉइंट है, तो अब हम इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, दिस डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल टू इज व्हाट, अब हमें इसमें ए भी लाना है, ये ध्यान रखिएगा, वन अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड कर रहे हैं तो ए कैसे लाएंगे, इस अगर हम कर दें कि डब्ल्यू माइनस ए प्लस ए माइनस जेड, ठीक है, इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लाई दैट इज डब्ल्यू माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन, इस जेड माइनस ए
ठीक है। अब यहाँ से इस टर्म को कॉमन कर दीजिए, वन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिए, वन अपॉन ब्रैकेट में वन माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक। न्यूमरेटर में के लेके जाइए डब्ल्यू माइनस ए, वन अपॉन जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए रेस पावर माइनस वन, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय बायनोमियल थ्योरम्स, बायनोमियल से इसको एक्सपेंड करना है तो आइए एक्सपेंड कर लेते हैं। अब एक्सपेंड नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट, वन अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए हियर वन प्लस एक्स, तो जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब, अप टू हम कहें जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए रेस पावर एन, ठीक है। बहुत सारे आगे भी होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। दैट इज क्वेश्चन वन। अब कुछ चीज़ों को समझिए, यहाँ देखिए W यहाँ है, Z यहाँ है, इट मीन्स क्या होता है, हियर Z माइनस ए इज लेस देन W माइनस ए होगा। हमें देखना भी थी कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं है, वो भी तो चेक करना है। तो अब ये चूंकि यहाँ जेड है और ये नियर एक इनक्लोज है और ये यहाँ पे ऑन द सरफेस है, इसके इनसाइड है, तो मतलब दैट इज़ द क्लियर कि ये होगा, मतलब जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए इज लेस देन वन, सो इट मीन्स विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस, ठीक। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है आपका, कन्वर्जेस है। अब हम क्या करेंगे, आगे के वर्क पर आते हैं। अब हमें प्रूफ की तरफ भी बढ़ना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट वे। तो चूंकि अब यहाँ पे सब यहाँ पे W है, W फंक्शन जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पे Z इज द पॉइंट है, W इज अ फंक्शन है, ठीक है। याद रखिएगा Z हमारा यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट की तरह बिहेवियर है, एक कैसा है सेंटर है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग एफ डब्ल्यू, ठीक है, एफ डब्ल्यू बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते तो एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, चाहे तो हम इसका मल्टीपल भी कर दें, मल्टीपल कर देते हैं डब्ल्यू माइनस ए एफ ऑफ डब्ल्यू, इसका मल्टीपल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई प्लस, ध्यान रखिए ये हो जाएगा आपका, तो z माइनस ए एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे z माइनस ए इज होल स्क्वायर और एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब, ठीक। अप टू लास्ट टर्म पे चले जाएंगे तो z माइनस ए पावर ऑफ n एफ ऑफ डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यू माइनस ए रेस पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब जेड इज पॉइंट, ए इज पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों पॉइंट है यहाँ पे, जेड इज नॉट फंक्शन, जेड इज बिहेवियर, जेड ऑफ बिहेवियर इज पॉइंट, ए इज पॉइंट बट डब्ल्यू इज अ फंक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज अ डिफरेंस। आगे के तो वर्कआउट आसानी से हो जाएंगे। अब इसको सिर्फ हमें इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो वर्कआउट हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिए ये किसके अकॉर्डिंग है, C1 के, दैट इज ईयर C1 एफ ऑफ डब्ल्यू
w माइनस z dz, ओके इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज हियर c1 f ऑफ w अपॉन w माइनस a dw, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू w है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग दिस प्लस z माइनस a तो कांस्टेंट होगा, दिस इज z माइनस a इज आउटसाइड हियर c1 f of w upon w minus a is whole square, ठीक dw प्लस फिर से यहाँ पे z माइनस a का होल स्क्वायर c1 f of w w माइनस a का क्यूब dw प्लस अप टू डॉट डॉट z माइनस a पावर ऑफ n इंटीग्रेशन c1 f of w upon w minus a n plus 1 dw. दिस इज टू. अब इज इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन अराउंड जो है क्लोज कर, यहाँ पे आप से चाहें तो लिख देते हैं अराउंड क्लोज्ड कर्व c1. अब यहाँ पे आते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है. व्हाट इज द बाची कॉची इंटीग्रल फार्मूला, आपको पता है, जैसे f ऑफ के इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपन z माइनस a पावर ऑफ n प्लस 1 dz इज इक्वल टू होता था 2 पाई I अपॉन n फैक्टोरियल f रेस टू n a. ये हमारे पास फार्मूला है, समझिए, दैट इज अ फार्मूला. बट हियर a इज द पॉइंट, हियर a इज पॉइंट, यहाँ पे a हमारा है पॉइंट है, a पॉइंट है आपका, ठीक है. z क्या है, वेरिएबल है, ठीक. बट हियर अब इस केस में अगर आए तो यहाँ है z पॉइंट है, सॉरी ये वाला z जो है पॉइंट है, ये क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक. यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे a पॉइंट है, ये w, सॉरी w इज वेरिएबल और a इज पॉइंट, तो बस अब इसी को फॉलो करना है. तो ये जब सिंगल रूट्स में आते हैं तो ए क्या होता है आपका, समझ में आ रही है बात आपको, जब ये चीज़ हम लेते हैं तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे करें वर्कआउट, फार्मूले का को समझना इम्पॉर्टेंट है. एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए क्या लिखते हैं आप, दिस इज टू पाई आई अपॉन एन फैक्ट हो जाएगा आपका, टू पाई आई इज़ वन फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल कर, मतलब वन प्लस वन, तो टू पाई आई अपॉन इंटू एफ ऑफ ए, बस इतना ही मिलेगा, ठीक है. तो यही वर्कआउट आगे के कंसेप्ट में ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे. तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इंटू इस टू पाई आई, ठीक है. ध्यान रखिएगा जेड इस पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया टू पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड इस वाले कंसेप्ट से, क्योंकि एफ ए यहाँ पे ए इज अ पॉइंट, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा. अब देखिए W वेरिएबल्स है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये f ऑफ a इंटू टू पाई आई प्लस z माइनस a इज एट इट इज w. अब पावर 2 है तो जैसे 2 करेंगे 1 प्लस 1 यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इंटू टू पाई आई इंटू एफ डैश a, ठीक है. इसी का अरेंजमेंट कर दे रहे हैं सिर्फ, अब इस वाले में पोर्शन में आएंगे तो z माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे वन फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक. अब देखिए क्यूब है तो टू प्लस वन, मतलब टू प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू टू पाई आई इंटू टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू हियर टू पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल और लास्ट में दिस इज जेड माइनस ए पावर ऑफ एन, ठीक, और फिर एफ रेस टू एन ए. इस वाले कंसेप्ट में, इस वाले टर्म्स के लिए एफ ऑफ ए आ गया.
जेड माइनस ए ये वाला है और ये पोर्शन। तो अब टू पाई आई बोथ साइड्स है, तो टू पाई आई आई कैंसिल होगा, जो रिजल्ट सिर्फ हमें मिलेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस इज एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल अरेंजमेंट, टू पाई कैंसिल एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब लिख सकते हैं आगे वाला टर्म्स ट्रिपल डैश ए इनफाइनाइट जेड माइनस ए पावर ऑफ एन एन फैक्टोरियल एन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो ये हमारा टेलर्स थ्योरम का जो मतलब हमें प्रूफ हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू क्लेरिफाई एंड हाउ टू हैंडल्स। तो ये चीज़ समझना होगा आपको कि हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे। जब ये प्रूफ हो गया तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम इस पर रिलेटेड कैसे कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पर, करें एक्सपेंड ई पावर जेड अबाउट जेड इक्वल टू ए, ठीक है, एंड ऑप्टेन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करिए और ऑप्टेन करिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा। तो पहले तो हमें जो टर्म्स की ज़रूरत होती है वो तो निकालने पड़ेंगे। ये देखिए, ये चाहिए हमें, ठीक है, ये अबाउट जेड इक्वल टू ए ही है, तो दिस इज एक्सपेंशन अबाउट जेड इक्वल टू ए है, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, मतलब हमारा जो एफ जेड है पहले, ये तो हमें पता है, ठीक। तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, ई पावर जेड। अब डबल डैश जेड क्या होगा, ई पावर जेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कुछ भी करें एफ रेस टू एन जेड तो भी ई पावर जेड ही मिलेगा। तो हमें nth टर्म की ज़रूरत होगी, जब nth टर्म्स हम निकाल लेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसी को निकालें, दिस इज एफ ऑफ ए क्या होगा, ई पावर ए हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो एफ ऑफ एफ डैश ए क्या हो जाएगा, ई पावर ए हो जाएगा। सिमिलरली एफ रेस टू एन ए इज इक्वल टू ई पावर ए, ठीक है। तो बाय टेलर्स थ्योरम इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस टू जेड माइनस ए पावर ऑफ एन एन फैक्टोरियल एफ रेस टू एन ए। तो एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग नाउ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारा ई पावर ए प्लस एफ डैश ए दिस इज ई पावर ए तो जेड माइनस ए प्लस एफ ई पावर ए अपॉन टू फैक्टोरियल जेड माइनस ए स्क्वायर अप टू ई पावर ए अपॉन एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए पावर ऑफ एन समथिंग। तो ये तो हमारा एक्सपेंशन हो गया कि ई पावर जेड का अबाउट जेड इक्वल टू ए अबाउट एक्सपेंशन हमारा ये हो गया। अब हमें बात करनी है कि आर ओ सी की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए ए एन, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू जीरो टू इन्फिनिटीज ई पावर ए अपॉन एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए पावर ऑफ एन लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अब ए एन जो है हमारा है ई पावर ए अपॉन एन फैक्टोरियल्स, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज वन बाई आर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटीज ए एन प्लस वन अपॉन ए एन मॉड, ठीक। तो सिंप्लीफाई करिए, अब लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटीज ए एन मतलब तो ई पावर ए मिलेगा अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई पावर ए अरेंजमेंट के कैंसल लिमिट यहाँ पे दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटीज है। तो अब ये जो वैल्यूज हमने पुटअप की है ये ध्यान से थोड़ा देख लीजिए ए एन प्लस वन फिर से चेक कर लेते हैं हम ए एन प्लस वन ए एन तो ए एन प्लस वन इज हियर यहाँ से अगर हम निकाल लें ए एन प्लस वन तो मिलेगा ई पावर ए अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट और फिर ए एन इज हियर तो ई पावर ए एन प्लस वन फैक्टोरियल्स नो प्रॉब्लम ए एन तो ई पावर ए डिनोमीटर में आएगा न्यूमरेटर सो अब इसको सिंप्लीफाई करिए फिर से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ध्यान रखिएगा कैंसल तो एन फैक्टोरियल्स अपॉन एन प्लस वन कर दिए बाहर और एन फैक्टोरियल इज आउटसाइड ठीक ये कैंसल तो अप्लाई द लिमिट्स इज वन बाई इन्फिनिटी वी गेट ज़ीरो दिस इज वन बाई आर तो आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज अबाउट दिस इन्फाइनाइट तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम हैंडल कर पाएंगे सो टेक केयर थैंक यू बाय बाय जय हिंद।